वेलकम टू मेरी एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो सेकंड पार्ट है जो हम लोग पढ़े थे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और बेटा कुछ एटॉमिक स्पीशीज के ऊपर हम लोग बात किए थे, तो उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन हम लोग कर ली लेंगे अभी। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच पेयर ऑफ इज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पीस, कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। K प्लस Cl माइनस Na प्लस। K प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, 19 माइनस 1 तो मतलब 18 मिले। Cl माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 है, लेकिन यहां पर Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। K प्लस में और 18 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए बाकी जो है, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, K प्लस के मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, Fe2 प्लस के मतलब बेटा 24 इलेक्ट्रॉन है, Cu2 प्लस के मतलब बेटा यहाँ पर 27 इलेक्ट्रॉन है, और V3 प्लस के मतलब बेटा यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, और कुछ दिखने का ही नहीं है, सारे के सारे में 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इक्वल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बेटा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब कि ए बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट। ठीक है, एज वेल एज पेनल्टीमेट। ठीक है, व्हिच ऑफ पेनल्टीमेट में जितना इलेक्ट्रॉन और बेटा आउटर मोस्ट में भी वही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6। O2 माइनस का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 M6। F माइनस का 1s2 2s2 2p6। और बेटा यहां पर Ca2+ करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 CH2 3P6। इसमें देखिए एक तो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल में क्या होता है बेटा, वैलेंस सेल का जो बात है, वैलेंस सेल का जो बात है, यहाँ पर देखिए C2+ एकदम डेड आंसर पे चले जाता हूँ, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके आगे जो पेनल्टीमेट सेल है उसका मतलब 2, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। C2+ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी। इसमें प्रोटॉन कितना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गायब है, तो प्रोटॉन कितना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, और दैट इज एटॉमिक नंबर कितना है, 2+8+14 प्लस बेटा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइपॉजिटिव बोला, 2 इलेक्ट्रॉन गायब होने के बाद यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर था, तो बेटा क्या होगा, ऐड करेंगे 2, 8, 10 और 14, 26 होगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर। मास नंबर दिया हुआ है कि 56, तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल टू मास नंबर 56 माइनस एटॉमिक नंबर 26 इक्वल टू 30। 30 इज द आंसर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा, न्यूट्रॉन का नंबर होगा 30। ओके, 30 इज द राइट आंसर यार, 30 इज द राइट आंसर यार, न्यूट्रॉन का नंबर होगा 30। समझ में आने बात, चलो आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सेम क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रॉन के नंबर हम लोग यहां पर लिखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन के नंबर हम लोग लिखेंगे, नियॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, Ca2+ 20 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, F माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन, K+ में 18 इलेक्ट्रॉन, और बेटा Ng- यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ 10 इलेक्ट्रॉन।
तो इन दोनों में Na plus और N3 minus, इन दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज N3 minus and Na plus आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये इट इज द राइट आंसर। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे, इफ स्पीशीज हैज 16 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स फाइंड द स्पीशीज एंड इट्स चार्ज, ठीक है, पहले देखो, पहले बेटा बोल दिया कि 16 प्रोटॉन की द नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, तो मतलब एटॉमिक नंबर इज 16, एटॉमिक नंबर क्या है 16 है, एटॉमिक नंबर 16 किसका है, सल्फर होगा। अब बोला 18 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब H2 माइनस हो जाएगा, सल्फर में तो 16 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ेगा, तो H2 माइनस इज द राइट आंसर, H2 माइनस इज द राइट आंसर, समझ में आया, ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी, द रेशियो बिटवीन न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर 12 एंड 28 एटॉमिक मास है, सॉरी तो मास नंबर कोई होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 6 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन इक्वल टू कितना है 12 इज द मास नंबर, 6 है बेटा यहां पर एटॉमिक नंबर 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सिलिकॉन कितना होगा 28 माइनस 14 इक्वल टू बेटा 14 आएगा, तो 6:14 आएगा या इसका रेशियो, सो मतलब 3:7, 3:7, 3:7 मतलब सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन सी। ओके तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा In which of the following pairs the two species are both isoelectronic and isotopic? Isotopic भी है और बेटा isoelectronic भी है, ठीक है? Ca2+ और argon. Isotope बोला, isotope बोलेगा तो बेटा क्या होगा? पहले isotope जब बोलेगा, isotopic बोला, तो isotope कौन-कौन है? Isoelectronic भी है और बेटा isotopic भी है. Isotopic का मतलब यहाँ पर A है. Fe3+ क्योंकि सेम एटम का होना चाहिए, सेम एटम का होना चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, इन दोनों का ही सेम है, लेकिन बेटा ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए 19 तो यहां पर देखिए सेल Ca2+ तो नहीं होगा, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है 39 है और यहां पर 19 तो 20 और यहां पर बेटा 20 तो 20 यहां पर 12 आएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक और बेटा आइसोटॉपिक दोनों ही है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोटॉपिक दोनों ही है, मास नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा और सेम नंबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बेटा यहाँ पर 24 है तो ये तो सारे ऑलवेज सेम होगा ना, 11 19 ए होगा 21 11 तो बेटा ये होगा 12 और ये होगा बेटा 13, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ओके तो ये होगा हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एक सेकंड, नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखो कितना इलेक्ट्रॉन, Ca2+ कितना इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, K+ दोनों में ये 18 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ और Mg आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन है, Na में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Fe3+ में कितना इलेक्ट्रॉन 23 यहां पर 24 तो यहां पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, CdE आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं, इन दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो आइसोटॉपिक कौन है वो लिखना पड़ेगा, आइसोट्रॉपिक तो बेटा ए एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम नहीं है तो बी का सेम है, K+ सेम ही रहेगा, बी इज द राइट आंसर हियर, ओके बी इज द आइसोट्रॉपिक एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक, समझ में आ गया, चलो आगे, द नाइट्राइड आयन, ठीक है, नाइट्राइड आयन लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, N3- नाइट्राइड आयन का फार्मूला होता है N3- N3- पे बेटा क्या होता है 7 प्रोटॉन होता है, 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, बेटा 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 7+3
सेवन प्रोटोन प्लस टेन इलेक्ट्रॉन, सेवन प्रोटोन प्लस टेन इलेक्ट्रॉन कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, सेवन प्रोटोन एंड टेन इलेक्ट्रॉन, सेवन प्रोटोन एंड टेन इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। ओके ठीक है, चलो अब आया नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गैलियम, गैलियम यहाँ पर जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम यहाँ पर 32, 34, 76, 76, 30, 32 आर एग्जांपल्स ऑफ। इन दोनों का क्या है एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल है, तो ये दोनों आइसोबार है, ये दोनों आइसोबार है। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो आइसोबार एंड आइसोटोन्स है, आइसोबार एंड आइसोटोन्स दोनों आइसोबार से, क्योंकि यहाँ पर मास नंबर इक्वल है और यहाँ पर बेटा क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो ये दोनों आइसोटोन्स है, ये दोनों आइसोटोन्स है, ठीक है ना। चलो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। B2+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट, B2+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले देखो B में कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार थे बेटा, तो B में चार इलेक्ट्रॉन थे, जो B2+ देखेंगे तो क्या होगा 1s2 हो जाएगा, सिर्फ 1s2, तो 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर Na+ तो नहीं होगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 10 इलेक्ट्रॉन Li+ यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, Li+ में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है ना। चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons, 31.7% more neutrons compared to protons. Find the symbol of the atom. ठीक है? तो बेटा मैंने मान लिया कि x is the number of proton. तो न्यूट्रॉन कितना है? X plus x कितना? X is the number of proton. तो न्यूट्रॉन कितना रहेगा? न्यूट्रॉन कितना रहेगा? वो बताओ पहले। X is the number of proton plus x into 1 plus 31.7 plus 100 equal to 81. क्या होगा x plus, यहाँ पर बेटा होगा कि 131.7 by 100 x equal to 81. तो यहाँ पर आएगा अच्छा से देखो तो 231.7 by 100 x equal to 81. ठीक है, x equal to बेटा क्या आएगा, x equal to 81 into 100 by 231.7, ठीक है 231.7, तो यहाँ पर आएगा, एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर, तो बेटा ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है 34.95, ठीक है ये आ रहा है 34.95 आ रहा है, तो मतलब बेटा 35 लेंगे लगभग इक्वल है 35, तो एटॉमिक नंबर 35 होगा, ठीक है एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर तो दे दिया, तो बेटा ब्रोमीन होगा 35 और बेटा 81, ठीक है ये होगा आंसर, ओके 35। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन, न्यूट्रॉन्स कितना है, बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालेंगे तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मतलब बेटा 50 होगा, 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके ऑप्शन बी। चलो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, which of the following observation not correct during Rutherford's curling experiment, most of the alpha particles passed through the holes while unreflected, सही है एकदम सही, कोई गलत नहीं है, ये तो सही है right, a small fraction of alpha particles were deflected by small angles, ये भी सही है बेटा, a large number of alpha particles were bounced, ये गलत है बेटा, ये गलत है क्योंकि एक ही आ रहा था, 1 out of 20,000, ठीक है वही तो बाउंस बैक आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आया, ओके ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थॉमसन्स, थॉमसन की मॉडल ऑफ एटम इज करेक्ट, एन एटम पोजेस an elliptical shape in which the positive charge is uniformly distributed, mass of atom is assumed to be uniformly distributed, so model is unable to explain overall neutrality of the atom, all of this model about Thomson's model, following statements are correct kaun hai, an atom possesses an elliptical shape, ye to sahi tha, positive charge pura ekdam bhara hua hai, mass of atom is assumed to be uniformly distributed, atom ye sahi sare sahi hai beta, all of this is the right answer, सारे के सारे सही है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following? The number of protons greater than the number of neutrons, but number of protons is less than the number of electrons. Electron का number कम है proton से, और बेटा electron का number proton से कम होता है तो बेटा positive charge होना जरूरी है और कुछ कर दिखने का ही नहीं है. ठीक है, number of electron proton के number से equal होता है normally. नॉर्मल तो इक्वल होता है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो एक वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. फिर पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है वही है. क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, दिखने में लगेगा कि बहुत कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन कुछ नहीं करना होगा. ठीक है, बहुत इजी है. ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन Rutherford's alpha particle scattering experiment. The positive charge is concentrated in a very small volume of atom size. The positive charge is scattered with the electrons throughout the atom. The volume occupied by the nucleus is half of the volume of atom. एकदम भूल है, एकदम गलत है बेटा, क्योंकि बोला है एक ऐसा एक पूरा फुटबॉल मैट है, तो फुटबॉल मैट के अंदर एक फुटबॉल होता है, न्यूक्लियस और पूरा एटम होता है वो पूरा फुटबॉल मैट. ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड होता है. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है. मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम इज ऑक्युपाइड बाय न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है. ये भी गलत है. सही कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ये सारे गलत है बेटा. ऑप्शन ए इज द, यहां पर ऑप्शन ए ये राइट आंसर है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, इट इज राइट आंसर. तो ऑप्शन ए राइट आंसर. ओके, तो हो गया हमारा क्वेश्चन. चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो बेटा आज जो चैप्टर जो पढ़ाया हुआ है थ्योरी का पार्ट, थ्योरी पार्ट एक बार देख लीजिए, और आशा करता हूँ कि वहाँ पर पूरा समझ में आकर एक क्वेश्चन देखे देखा होगा हम लोग. ठीक है, और आगे दिन नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसका क्वेश्चन भी लेंगे और आगे बढ़ेंगे. ओके, चलो बाय, गुड डे.